ईशा सिंह एंड सालीन बनोट स्टारर शो बेकाबू कलर्स टीवी पर लास्ट मंथ ही ऑफ एयर हो गया था। अभी ये शो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जियो सिनेमा पर भी ये शो ऑफ एयर होने जा रहे हैं। तो बेकाबू का लास्ट एपिसोड हमें कब तक देखने को मिलेगा, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ईशा सिंह सालीन बनोट मोनालिसा सुदासंदन स्टारर बेकाबू को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये शो हमें जियो सिनेमा पर अभी देखने को मिल रही है। कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है, लेकिन ये शो बहुत ही जल्द ऑफ एयर होने वाला है। इस शो का लास्ट एपिसोड हमें देखने को मिलेगा 5 और 6 अगस्त को, यानी नेक्स्ट वीक हमें बेकाबू सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले देखने को मिल जाएगा। बेकाबू को कलर्स टीवी पर फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन शुरुआत से ही इस शो का जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा लो निकल कर आया था। इस शो का ओपनिंग टीआरपी 1.3 निकल कर आया था और इस शो का जो क्लोजिंग टीआरपी 1.0 निकल कर आया था, और इस शो का लोएस्ट टीआरपी 0.8 भी निकल कर आया था। इसलिए इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि शो की जो ऑनलाइन व्यूअरशिप वो काफी ज्यादा अच्छा था और टीआरपी भी काफी ज्यादा अच्छा मिलता था ऑनलाइन। और लास्ट वीक ये शो ऑनलाइन टीआरपी में नंबर 10 के पोजीशन पर था और रेटिंग्स भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये शो ऑफ एयर होने जा रहा है और इस शो का लास्ट एपिसोड हमें नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा। इस शो की कहानी अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है, जहां पर हमें देखने को मिल रही है आपके फेवरेट ईशा सिंह यानी आपके फेवरेट बेला सोफिया बन का रानफ के घर आई है, रानफ और उसके परिवार से बदला लेने के लिए। तो क्या बदला ले पाएंगी बेला रानफ से, क्या बेला को पता चलेगी कि रानफ निर्दोष है, वो तो हमें बेकाबू सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में ही देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो आप कितना ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके फेवरेट ईशा सिंह और सालीन बनोट को कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और कल निकल कर आने वाली है ऑनलाइन टीआरपी 2023 की वीक 30 की। तो आपको क्या लगता है बेकाबू किस हफ्ते की ऑनलाइन टीआरपी क्या निकल कर आने वाली है? अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।